हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो इस वीडियो में इस साल आप लोगों ने 100 मार्क्स का कोई भी एग्जाम आप लोगों ने फेस नहीं किया है, ठीक है? डिफेंस बोर्ड एग्जाम, ज्यादातर स्टेट बोर्ड जो है 11th फाइनल एग्जाम कैंसिल कर चुका है, सीबीएसई बोर्ड भी 11th का एग्जाम जो है वो कंडक्ट किया है, बट बहुत जल्दी कर दिया है, दैट मींस विद रेस्पेक्ट टू द अदर स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स. तो that means you didn't face any kind of 100 marks exams, and that's why I think you wouldn't get any kind of ideas how to face the 100 marks exam. Okay, so directly just you all are promoted to the 12th class as well, and that's why you may face various problems whenever just you will face the 100 marks exams, because you never faced these exams before. So directly प्रोमोट होना ये कोई खुशी का बात नहीं है हम लोगों का. तो यहां पर हम लोग थोड़ा सोचेंगे कि इस जो हम लोगों को जो ये डायरेक्ट प्रमोशन दिया गया है हर एक स्टेट बोर्ड में, ज्यादातर स्टेट बोर्ड में डायरेक्ट प्रमोशन दे दिया गया है क्लास 11th के स्टूडेंट्स को, क्लास 12 में, ठीक है? तो इसको हम लोग कैसे ओवरकम करें, कैसे हम लोग उसको मेकअप करें, हाउ टू मेकअप द ड्रॉबैक्स एंड लू फॉल्स वट एवर वी फेस्ड एज ए स्टूडेंट्स इन क्लास 11. ओके, सो आप लोगों को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा. हाँ, एक नॉर्मल अगर आप 11th का फाइनल एग्जाम फेस करते हैं, 100 मार्क्स को कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे स्कोर करना है, एक आइडिया आप लोगों को मिल जाता, बट बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक इट डिडंट गेट एनी चांस टू फेस दिस 100 मार्क्स एग्जाम, दैट मीन्स योर फाइनल एग्जाम, एंड दैट्स वाई I want to say that ज्यादा से ज्यादा जो है concepts के ऊपर ध्यान दो, concepts को clear करना है ये बहुत ही important होता है, ठीक है? If you want to face the 12th board exams, NEET, JEE, whatever it is, so at first you need to actually clarify all the concepts and all the topics and all the chapters whatever you will have in this 12th class. Okay, so before solving the questions, before solving the problems, different problems of every subject, you need to be very much clear about the concepts, about the concerned topics, about the concerned lectures of any teacher. So aapka duty jo hai normal jo ek student hai usse bahut guna jo hai bar gaya hai, theek hai? Kyunki direct promotion milna aur exam deke promotion hona, is a lot of difference. There's a huge difference between these two things. Okay, so as a teacher, मैं एक ही आप लोगों को ये suggestion दे पाऊंगा कि आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा जो है concepts gather करिए, knowledge gather करिए, उसके साथ साथ आप लोग different questions, solutions, different books खरीदिए, different guidelines जो है guidance बुक्स मिलता है आप लोगों का वहां पर मिलता है, ठीक है? जैसे आपको मैथ्स में मिल जाएगा, आरडी मिल जाएगा, फिर आर्यहंत मिल जाएगा, डिफरेंट बुक्स आर देयर, बट आई विल प्रेफर आरडी. ओके, एंड फॉर फिजिक्स आई थिंक एसएल अरोरा इज द बेस्ट बुक, एसी वर्मा इज ऑल्सो देयर, बट इन एसएल अरोरा यू विल गेट द सिस्टमेटिक एक्चुअली इन सिक्वेंस, एवरी कॉन्सेप्ट एंड एवरी थिंग्स विल बी गिवन इन सिक्वेंस. ओके, सो केमिस्ट्री के लिए मॉडर्न केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए मॉडर्न अप्रोच टू बायोलॉजी, ये सब बुक्स जो है आप लोगों को खरीदना है, ठीक है? और कोशिश करना है कि बहुत सुंदर तरीके से आराम से आप लोग पढ़ेंगे, और याद रखना कि फिजिक्स और मैथ्स ये दो जो सब्जेक्ट है उसको बोला जाता है एनालिटिकल सब्जेक्ट्स. ओके, दैट मीन्स यू हैव टू एनालाइज वट एवर यू आर स्टडिंग इन दिस टू सब्जेक्ट्स, यू नीड टू एनालाइज दिस थिंग्स बिफोर एक्चुअली ज्वाइनिंग द लेक्चर्स एंड बिफोर एक्चुअली अटेंडिंग द क्लासेस, यू नीड टू एनालाइज वट इज देयर एक्चुअली, वट इज देयर इन दिस विद इन दिस सब्जेक्ट एंड विद इन दिस गिवन टॉपिक और विद इन दिस टॉट टॉपिक्स. ओके, सो आप लोग सिक्वेंशियली जाइए, थोड़ा पेशेंस रखिए,
और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि कॉन्सेप्ट्स गैदर हो जाए, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए, फिर उसके बाद डिफरेंट एग्जाम्स क्लास 12 में फेस करेंगे आप लोग, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर कोई बिग मैटर तो नहीं है, क्योंकि एग्जाम तो फेस तो आप करेंगे क्लास 12 में, ठीक है। तो और मैथ्स में, जहाँ तक मैथ्स का सवाल है कि मैं तो हुई, हाँ आप लोगों के लिए तो हुई, एनी टाइम यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस, आई विल सॉल्व एनी टाइम, ओके। सो यही है, सिर्फ यही मुझे बोलना था, ओके। तो कोशिश करते रहिए, आई एम विद यू, आई ऑलवेज देयर, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, बाय।